वेलकम बैक टू एपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का गाइस जो हमारा फ्रंट रहेगा वो हमारा इसका 25 फीट का रहेगा और जो उसकी डेप्थ रहेगी वो हमारी इसकी 57 फीट की रहेगी। अब गाइस मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी। एक इसके अंदर हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा और एक इसमें हमारा किचन रहेगा और एक इसके अंदर हमारी डाइनिंग टेबल और लॉबी रहेगी, एक डाइनिंग रूम रहेगा और एक इसके अंदर हमारा पॉर्च रहेगा। अब गाइज मैं आपको इसकी फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ, इसकी फुल डिटेल हमारी क्या क्या रहेगी। ठीक है, जो हमारा मेन एंट्रेंस रहेगा वो लेफ्ट से रहेगा गाइज, यहाँ से रहेगा मेन एंट्री गेट। और इसके बाद पॉर्च आता है, पॉर्च का जो हमारा साइज़ रहेगा वो 9 फीट 6 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 18 फीट की रहेगी। ये गाइज हमारा पूरा पॉर्च रहेगा। और इसके साइड में ये हमारा फ्रंट ओपन छूटा हुआ है, जो उसका साइज़ रहेगा वो हमारा 6 फीट 9 इंच की इसका साइज़ रहेगा। और ये हमारी कॉमन टॉयलेट रहेगी गाइज, इस टॉयलेट का जो साइज़ रहेगा वो 4 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 5 फीट की रहेगी। और इसका जो डोर रहेगा वो ओपन से यहाँ से रहेगा। ठीक है, और जो हमारा डाइनिंग रूम है इसका जो डोर रहेगा वो डोर हमारा इसका एक फ्रंट से ओपन से यहाँ से रहेगा और सेकंड डोर हमारा लॉबी से यहाँ से रहेगा। और जो हमारा डाइनिंग रूम का जो साइज़ रहेगा वो 13 फीट 7 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 11 फीट 5 इंच की रहेगी। और जो इसका विंडो रहेगी वो विंडो हमारी ओपन से फ्रंट से यहाँ से रहेगी, ताकि इसका वेंटिलेशन जो रहे वो डाइनिंग रूम का इस फ्रंट से यहाँ से रहे। ठीक है, और जो हमारे इसमें सोफ़ा सेट रहेगा वो सोफ़ा सेट सेट हमारा इसके गाइज यहाँ पर रहेगा। और जो हमारा इसका लॉबी और पॉर्च के बीच में जो डोर रहेगा वो डोर इसका गाइज यहाँ से ये रहेगा। और जो लॉबी का हमारा साइज़ रहेगा वो 14 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 15 फीट 6 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। और जो हमारा इसका डाइनिंग टेबल रहेगी वो डाइनिंग टेबल इसकी गाइज हमारी यहाँ पर रहेगी। और ये गाइज हमारा जो साइड से ये वॉल आ रही है वो हमारा ये ओपन रहेगा। ठीक है, ये गाइज हमारा इसका ओपन रहेगा और ये वेंटिलेशन के लिए, लॉबी की वेंटिलेशन के लिए हमने ओपन जाल दिया हुआ है। और जी इसके बराबर में जो हमारे स्टेयर का है, स्टेयर का यह गाइज हमारा यहाँ से रहेगा। और जो हमारा किचन है, किचन का डोर गाइज हमारा इसका यहाँ से ये रहेगा। और जो किचन का साइज़ रहेगा वो हमारा 6 फीट 7 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 12 फीट की रहेगी। और इसका जो वेंटिलेशन रहेगा वो पीछे से ओपन से यहाँ से ये रहेगा। और इसमें जो स्लेब रहेगी वो स्लेब हमारी इसकी 2 फीट की रहेगी। और इसका जो मास्टर बेडरूम का डोर रहेगा वो लॉबी से यहाँ से ये रहेगा और जो सेकंड डोर रहेगा वो ओपन से वहाँ से रहेगा। ठीक है, बैक से रहेगा। और जो हमारा इसका डाइनिंग वो बेडरूम का जो साइज़ रहेगा वो हमारा 14 फीट 6 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 12 फीट की रहेगी। और जो उसके हमारा वेंटिलेशन रहेगा वो वेंटिलेशन हमारा इसका ओपन से यहाँ से रहेगा, जिसकी विंडो हमारी ओपन में यहाँ रहेगी। और जो उसका हमारा बेड रहेगा वो बेड का जो हमारा इसका यहाँ पर रहेगा। और जो हमारी इसकी LCD रहेगी वो LCD इसकी गाइज हमारी यहाँ पर रहेगी। और इससे पीछे हमारा ड्रेसिंग रूम रहेगा, ड्रेसिंग रूम का डोर गाइज हमारा इसका यहाँ से रहेगा। और जो ड्रेसिंग रूम रहेगा वो 5 फीट की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 5 फीट की रहेगी। और 2 फीट की इसमें हमारी अलमीरा रहेगी गाइज। और इससे टच ही हमारा ड्रेसिंग रूम से टच हमारा ये टॉयलेट का रहेगा, इसका डोर यहाँ से। और जो टॉयलेट का साइज़ रहेगा 5 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 10 फीट की रहेगी। और जो उसका वेंटिलेशन रहेगा वो पॉर्च से यहाँ से रहेगा। जो हमारा टॉयलेट रहेगा इसके दो पार्टीशन रहेगा, एक हमारा इसका बाथरूम का रहेगा और दूसरा इसका WC का रहेगा। और जो हमारा स्टोर है, स्टोर का डोर गाइज हमारा इसका यहाँ से रहेगा। और जो स्टोर का साइज़ रहेगा वो 8 फीट 4 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 6 फीट 6 इंच की रहेगी। और जो इसका वेंटिलेशन रहेगा वो ओपन से यहाँ से रहेगा। और जो ये ओपन का साइज़ रहेगा ये 14 फीट 9 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 6 फीट 6 इंच की चौड़ाई रहेगी। ठीक है, और ये गाइज हमारा वॉशिंग एरिया भी रहेगा। और इस किचन से हम डोर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ताकि हमारा इसका ये स्टोर रूम भी हो जाए और इसका ये वॉशिंग एरिया भी रह जाए। ठीक है गाइज, अब गाइज मैंने आपको सभी इसके डिटेल बता दी है। अगर गाइज आपका प्लॉट साइज सेम यही है तो आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अगर गाइज आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है गाइज, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा उसमें दिया हुआ है, आप हमारे से व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी गाइज आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें उसकी डिटेल सेंड कर दीजिए, हम आपको 24 घंटे में उसकी PDF फाइल सेंड करके भेज देते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर गाइज एपेक्स आर्किटेक्ट्स।